खत्म हो गया तुम्हारा नाटक। तो तुमने ये पूरा नाटक इसलिए किया अनन्या ताकि मैं कृष्णा और मोहन के साथ कॉलेज ना जाऊं, राइट? नहीं, अरे वो ये सब क्या है अनन्या, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं नाटक नहीं कर रही हूँ मॉम, मेरे पैर में सच में मोच आई है, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अनन्या स्टॉप दिस, अनन्या बंद करो अपना नाटक और झूठ। अनन्या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था ये सोचकर मैंने तुम्हें जो कहा वो किया। मैंने तुमने कहा डिवोर्स के पेपर साइन करो, मैंने कर दिए। तुमने कहा 6 महीने बाद कृष्णा को छोड़ दो, ये भी मान गया मैं। तुमने कहा दोबारा तुमसे शादी करूं मैं, ये भी मान गया मैं। लेकिन व्हाई यू प्लेइंग दिस गेम्स? तुम क्या इतनी इनसिक्योर हो गई हो क्या कि कृष्णा और मोहन की जिंदगी बर्बाद करने चली हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है अनन्या एग्जैक्टली किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम हम सब इस घर में आराम से शांति से खुशी में जी पाएंगे? एक बात कान खोल कर सुन लो अनन्या, झूठ की बुनियाद पर रिश्ते ना तो बनते हैं और ना टिकते हैं। अब जब सबको पता चल ही चुका है तो ठीक है, पर अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी आर्या। हुआ क्या है तुझे अनन्या, तू आर्यमन को जाने से रोक क्यों रही है? वहां कृष्णा को इसकी जरूरत पड़ सकती है, मत भूल कृष्णा आर्यमन की वाइफ है, इसके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? कब तक उनकी जरूरतों के लिए उनके पीछे भागते रहोगे तुम? क्यों किसी को झूठे सहारे की आदत लगवा रहे हो जब बहुत जल्द उससे छिनने वाला है ये? आर्या, जब आर्या और कृष्णा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे क्या तब भी आर्या उसके बारे में ऐसे सोचेगा? बोलो आर्या, क्या हमेशा उसके साथ ऐसे ही बने रहोगे जिंदगी भर? गॉड डैमिट, जब फैसला कर लिया है उससे अलग होने का तो आजाद करो खुद को और उसे भी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली आर्या, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तुम्हें। आर्या बेटा समझने की कोशिश कर, ये तेरे से इतना प्यार करती है इसीलिए ये सब बोल रही है, और ये जब चाह रही है कि तू ना जाए तो मत जाना, आज रुक जा। आर्या, आर्या, कृष्णा चल मोहन जिद मत कर, मोहन के लिए आप गाड़ी लेकर आए ना, हम घर चलते हैं। चल नहीं, जब तक आर्य ब्रो नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और ना ही आप लोग। तो ठीक है हम ऑटो से ही चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने भाई को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। चल बाहर ऑटो मिल जाएगा, आ जा। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी ना सही कम से कम अपने भाई की बात सुनिए। वो नहीं जाना चाहता है तो क्यों जबरदस्ती लेकर जा रही हैं आप इसे? एक बार सोच कर तो देखिए, शायद इसकी किस्मत ही उसे यहाँ लेकर आई है। शायद इस कॉलेज में होना इसके भविष्य के लिए अच्छा हो। आप रहने दीजिए, आपसे कोई सलाह नहीं चाहिए मुझे। मोहन मेरा भाई है और इसके भविष्य की चिंता भी मैं ही कर लूंगी। दीदी पूरी दुनिया समझे ना समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तू क्यों नहीं समझ रही है? तुझे तो मेरा सपना पता है ना, और मुझे उस कॉलेज में जाना है, वहां जाकर मेरा सपना सच हो सकता है। तुझे इतने दिन लगता था मैं ये सब बेकार की बातें कर रहा हूँ और मेरा सपना सच नहीं हो सकता, पर आज कॉलेज में जाने के बाद मुझे पता चला मेरा सपना सच हो सकता है। मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जिससे मिलकर मुझे पता लगा कि अगर हम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। दीदी मेरा सपना सच हो सकता है, मुझे मेरी मंजिल मिल सकती है। दीदी तू प्लीज मेरे साथ चलना उस कॉलेज में, मैं तुझे उनसे मिलवाऊंगा, फिर तुझे भी पता चलेगा कि उन्होंने। बस कर मोहन, क्या हो गया तुझे?
ना ही मुझे किसी से मिलना है, ना ही किसी से बात करनी है। मुझे इस वक्त कृष्णा के बारे में और कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। गुड, मैं भी चाहती हूँ कि तुम कृष्णा को भूल जाओ, पर आज जो हुआ उसके बाद मैं वो नन्या, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ओके हरिया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं क्या करूं आर्या, पर जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तुम्हें खोने का डर मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। नन्या देखो, मैं इस वक्त ना बात करने की हालत में नहीं हूं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर। भूल जा अपना सपना, तुझे जरूरत नहीं है बदलने की, और तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू ये सब पागलपन नहीं करेगा। कौन सी पागलपन की बातें हैं? तो बस कल तो खुद आर्यमन सर को जाके कहेगा कि तुझे उस कॉलेज में नहीं पढ़ना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं दीदी, मैं मना नहीं करूंगा, मुझे उसी कॉलेज में जाना है और मैं उसी कॉलेज में जाऊंगा। मुझे बहुत मुश्किल से मौका मिला है अपना सपना सच करने का, ये रास्ता मिला अपनी मंजिल पाने का, और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मोहन, बिल्कुल सही सोच रहा था मैं, ये लड़का कुछ तो अजीब है, कोई तो राज है इसका जो हमें नहीं पता, और राज है तो मैं जान के तो रहूंगा। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, पर मैं जो लाई हूँ वो तो देख लो। जो तुमसे कुछ नहीं चाहिए नन्या, तुम्हारे लिए नहीं है, मोहन के लिए है, मोहन को कॉलेज में सबकी जरूरत पड़ेगी ना, और तुम फिक्र मत करो, मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से कृष्णा के बिहाफ में माफी मांग ली है, वो मोहन को कॉलेज से नहीं निकालेंगे। तुम्हें यकीन नहीं होता तो फोन करके पूछ सकते हो तुम। तुम ये सब कुछ प्लीज मोहन को दे दो ना, आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो भी काफी अपसेट होगा ना, ये देखेगा तो उसे शायद अच्छा लगे। तुम कृष्णा की फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगी कि मोहन को इस सब की जरूरत पड़ेगी कॉलेज में। जरूरत तो है मोहन को इसकी, ये सब देख के बड़ा खुश भी हो जाएगा वो, लेकिन कृष्णा से कैसे बात करूं? गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया मैंने उसको, कितना बुरा लग रहा होगा।